लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष ताव खा रहा है। उनका रवैया छलनी के छेद से सुई को रूबरू कराने जैसा है। जाहिर है कि विपक्ष के पास मौका है और दस्तूर भी, इसलिए उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। उमर ने ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर है। एक तरह से उमर अब्दुल्ला ने सच ही कहा कि विपक्ष की कोशिश उत्तर प्रदेश को नया जम्मू कश्मीर बनाने की है। यही काम प्रियंका वाड्रा करना चाहती हैं और यही काम पूरी कांग्रेस करना चाहती है। यही काम खालिस्तानी करना चाहते हैं। अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक सब इस हवन में अपनी आहूति डालने के लिए बेताब हैं। लखीमपुर हिंसा में अब तक 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मामला तूल न पकड़े इसलिए किसान नेताओं और प्रशासन के बीच वार्ता हुई है। ऐसे में जिस तरह मामले पर राजनीति गर्म है, उससे इस बात का पता चलता है कि जैसे जैसे दिन आगे बीतेंगे, पूरे विपक्ष द्वारा युद्ध स्तर पर लखीमपुर हिंसा को कैश किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब हैं। इसलिए तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने के उद्देश्य से लखीमपुर जाने को बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। मामले के मद्देनजर कोई अनहोनी न हो, इसलिए योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस भी खासी मुस्तैद है और लखीमपुर आने वाले नेताओं को या तो हिरासत में लिया जा रहा है या फिर उन्हें दल बल के साथ लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। योगी सरकार ने विपक्ष पर मामले को तूल देने का आरोप लगाया है। लखीमपुर मामले पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव पास हैं तो विपक्ष लखीमपुर खीरी का राजनीतिक पर्यटन करना चाहता है। सिंह के अनुसार सरकार इस पूरे मामले पर खासी गंभीर है और मामले की जांच ग्राउंड जीरो से हो रही है। बहरहाल मुद्दा लखीमपुर हिंसा का तो है ही, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का उत्तर प्रदेश को नया जम्मू कश्मीर बताना। ध्यान रहे कि कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A हटने का सबसे बड़ा नुकसान अलगाववाद की आंच पर राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले उमर अब्दुल्लाओं और महबूबा मुफ्तियों को हुआ है, जो आज सियासी तौर पर भूखे मरने की कगार पर है। असल में भाजपा की आलोचना में उमर ने उत्तर प्रदेश को जम्मू कश्मीर बताने का ये ट्वीट जल्दबाजी में किया, तो ये बात तो यूं ही नहीं है। जैसे ये ट्वीट साफ है कि उमर ने भाजपा की आलोचना नहीं की बल्कि अपनी नाकामी बताई है। इन बातों के बाद सवाल होगा कैसे, तो जवाब के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब उमर के हाथों में एक राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की कमान थी। यदि उस पीरियड को देखें या फिर गहनता से उसका अवलोकन करें तो तमाम बातें शीशे की तरह खुद ब खुद साफ हो जाती हैं। चाहे आतंकवाद हो, अलगाववाद हो या फिर इंडिया गो बैक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जम्मू कश्मीर में सब कुछ था। कहना गलत नहीं है कि उमर के शासनकाल में अमन और शांति की बातें जम्मू कश्मीर सरीखे राज्य के लिए दूर के ढोल सुहाने की तरह थीं। राज्य में हर वो गतिविधि हो रही थी जिसका खामियाजा एक मुल्क के रूप में हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा था। सीधी और स्पष्ट बात है कि उमर चाहते तो इन गतिविधियों को तमाम अराजक तत्वों को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उमर जानते थे यदि वो ऐसा करते हैं तो इससे उनकी राजनीति प्रभावित होगी और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर गर्त के अंधेरे में चला जाएगा। लखीमपुर में कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी यही चाहती हैं कि ऐसे ही सब चलता रहे, नहीं तो गांधी वाड्रा से लेकर कई सियासी पार्टियों का वही हाल होगा जो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का हुआ। लेकिन ये सब करने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव तक सबको दशकों पहले आई फिल्म वक्त के उस डायलॉग को याद करना जरूरी है जिसमें अभिनेता राजकुमार ने कहा था कि चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।